मामलात हैं जिनके बारे में पार्टी की तरफ से आपसे बात करनी थी। आपको जैसे कि मालूम है कि कल कुछ डिटेल्स एलजी इंतज़ामिया ने शेयर की हैं एक पॉलिसी को लेके, जिसका उन्होंने नाम दिया है लैंड टू लैंडलेस, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो लैंडलेस लोग हैं उनको 5-5 मरले ज़मीन दिए जाएंगे उनके घर बनाने के लिए। आपको याद होगा कि जिस दिन से ये मामला सामने आया है उसी दिन से लोगों में खदशात हैं, और उन खदशात की हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तर्जुमानी की है। पहले तो जो नंबर दिया गया उसमें कहा गया कि 2 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस हैं, और बाद में कहा गया कि नहीं जी ये नंबर कम है जिनको देना है। और कल जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक ये 5 मरले ज़मीन की एलिजिबिलिटी जो है उन लोगों की है जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स हैं। आप सबको पता है कि 2019 के बाद यहाँ डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें बहुत कसीर तादाद में उन लोगों को डोमिसाइल दिया गया जो असलन जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं हैं। और क्लैरिटी आज भी नहीं है कि कितने सारे रजिस्टर्ड डोमिसाइल्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जो असलन जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बाशिंदे नहीं हैं। तो हर दिन इस पॉलिसी को लेके खुसूसन एक नई डेवलपमेंट होती है, और इस चीज़ पे क्लैरिटी आ रही है कि कुछ क्रूशल इन्फॉर्मेशन जानबूझ के ये सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से छुपा रही है, जिसके चलते जो शुभात हैं, जो खदशात हैं, वो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। हमारा मौकिफ़ ये है कि बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट तुली हुई है इस चीज़ पे कि जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जाए, यहाँ बाहर से लोगों को लाके बसाया जाए, यहाँ की जो सोशल कंपोजिशन है, जो यहाँ की डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जाए। और जब एलजी इंतज़ामिया ऐसी पॉलिसीज़ रोल आउट करती है और उन पॉलिसीज़ के इर्द गिर्द जो अहम इंफॉर्मेशन है उनको आवाम से छुपाती है, तो हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं उनको और तकवीत मिलती है। इस केस में हमें अब ये नहीं पता कि ये जो डोमिसाइल्स हैं क्या ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, या फिर ये वो डोमिसाइल्स हैं जो स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं थे और उनको बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो ये 5 मरले ज़मीन कौन से डोमिसाइल्स को मिल रही है? एलजी इंतज़ामिया की जो मंशा है उस पे लोग शक कर रहे हैं, और उनके पास वजह भी है। आपको पता होगा कि रिसेंटली जम्मू में हाउसिंग बोर्ड के थ्रू नॉन लोकल्स को फ्लैट्स देने की बात आई, तो कभी एक पॉलिसी के थ्रू कभी दूसरी पॉलिसी के थ्रू वो जो खदशे हैं हमारे कि ये बाहर के लोगों को यहाँ ला के बसाना चाहते हैं, बाहर से लोग ला रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की जो इनकी मंशा है उसमें ये धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं खदशात को ये सारी चीज़ें तकवीत देते हैं। हम पुरजोर अल्फाज में एलजी इंतज़ामिया से ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ कम क्लियर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना डेटा है वो सबके साथ साझा कीजिए, हमें बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अभी तक आपने दी हैं उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो स्टेट सब्जेक्ट नहीं हैं लेकिन आज डोमिसाइल्स हैं जम्मू कश्मीर के। और ये जो पॉलिसी है जिसका इन्होंने कल इंफॉर्मेशन बाहर दिया उसमें हमें बताइए कि ये जो डोमिसाइल आपने एलिजिबिलिटी रखी है उन डोमिसाइल्स में कितने लोग ऐसे हैं जो ओरिजिनल स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि स्टेट सब्जेक्ट नहीं हैं लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू उनको ये 5-5 मरले ज़मीन देने की पॉलिसी जो है आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये एक
बहुत अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जो अपनी शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और हमारी पार्टी इस चीज़ के लिए वादाबंद है कि हमारे आवाम के हुकूक और उनकी शिनाख्त के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़े उसमें हम पेश पेश रहेंगे, और हम अपने आवाम के जज्बात और एहसास की तर्जुमानी करते रहेंगे। बहुत